अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्वेश्चन मैंने डेसिमल एंड फ्रैक्शन सेक्शन से लिए हैं, फ्रॉम सीएसएस एबिलिटी पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 1/2 केजी ऑफ मीट एट रुपीज़ 1.69 पर केजी एंड 20 लेमन्स एट रुपीज़ 0.60 अ डजन विल बी। सो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 केजी ऑफ मीट। सो 1 केजी मीट की कितनी कॉस्ट बताई है हमें, 1.69। सो हमने 3 1/2 केजी मीट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो जब 1 कॉस्ट की 1.69 है, सो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम इसको डेसिमल में ले आएंगे, 2 3 6 6 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 7। 7/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3.5 आ जाता है। सो 1.69 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, क्योंकि 1.69 1 केजी मीट की कॉस्ट है और 3.5 मीट की जो कॉस्ट है वो हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 को 1.69 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज़ 5.915। तो जो टोटल मीट की कॉस्ट है वो हमारे पास आई है रुपीज़ 5.92 अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 लेमन्स। 20 लेमन्स की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, 1 डजन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 12। सो हमारे पास कितनी कॉस्ट गिवन है, हमने 20 लेमन्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो 0.60 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमारे पास रुपीज़ 0.05 एक लेमन की कॉस्ट आ जाएगी। जब एक लेमन की कॉस्ट 0.05 है सो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, सो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 1। सो कितनी हो गई, 20 लेमन्स की कॉस्ट हो गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन विल्ड हिज प्रॉपर्टी टू हिज 3 सन्स। टू द यंगेस्ट ही गेव रुपीज 968.49, टू द सेकेंड 3.4 एज मच टू द यंगेस्ट एंड टू द एल्डेस्ट 3.7 टाइम्स एज मच एज टू द सेकेंड। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज स्टेट। सो रुपीज़ 968.49 उसने यंगेस्ट सन को दिए हैं, ठीक है, और जितनी प्रॉपर्टी जो है वो यंगेस्ट को दी है उसका 3.4 जो है वो सेकेंड सन को दी है। सो हम 968.49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। सो इतनी प्रॉपर्टी रुपीज़ 3292.866 इतने रुपीज़ की प्रॉपर्टी जो है वो सेकेंड सन को दी है। उसके बाद एल्डेस्ट को कितनी दी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3.7 टाइम एज मच एज टू द सेकेंड। सेकेंड को कितनी दी थी, 3292.866, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.7 से। यहाँ पर एल्डेस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 12183.6042। सो अब हमने टोटल फाइंड आउट करनी है कि टोटल प्रॉपर्टी थी कितनी, तीनों को जो दी है, जो यंगेस्ट सन, सेकेंड सन और एल्डेस्ट सन, तीनों को जितनी प्रॉपर्टी दी है उसको हम एड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। बस फर्स्ट यंगेस्ट सन की कितनी थी 968.490 और सेकेंड सन की थी 3292.866 और एल्डेस्ट की थी 12183.6042। इनको ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्टेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस कर दें, ताकि जब मैं इस तरह की और वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।